वहीं डबरा में नाबालिग से तीन लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने नाबालिग का गला घोटकर हत्या कर दी। शव को भिंड की चंबल नदी में फेंक दिया था। आपको बताएं, गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नाबालिग को आरोपी जबरदस्ती ट्रक में बिठाकर फरुखाबाद ले गए थे, जहां दो दिन तक आरोपियों ने नाबालिग का गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और ये पूरा मामला फिलहाल सामने आया है और इसको लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन इस दौरान अब लगातार पुलिस के ऊपर दबाव भी बन रहा था, लेकिन अब ऐसे में पुलिस के द्वारा इस पर कदम उठाए गए, तत्परता के साथ कोशिश की गई और ऐसे में पुलिस को सफलता भी मिली है। तो गैंगरेप का आरोप जिन लोगों के ऊपर था उनको फिलहाल गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। हालांकि इस पूरी घटना को जब अंजाम दिया गया उस सब के दौरान आरोप ये भी लग रहा है कि पहले पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया, दो दिन तक उसके साथ इसी तरीके से घिनौनी हरकत की जाती रही, उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई।